नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार मौर्य BNS गुड फार्म से। दोस्तों, ब्याने वाली बकरी को क्या खिलाया जाता है ये बकरी पालन में जानना और सीखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप इस चीज़ को नहीं जानते हैं, जैसे कि लोग नॉर्मली जो ब्याने वाली बकरी है घरों में रखते हैं या फार्मिंग कर रहे हैं, कम क्वांटिटी में है या ज़्यादा क्वांटिटी में है, तो उसमें क्या है, वो नॉर्मली फीड जो खाली बकरी को खिलाते हैं, जो बच्चों को दूध वाली बकरी को खिलाते हैं, या तो फिर जो बकरे हैं उनको खिलाते हैं, वही फीड जो है कि आप बच्चे देने वाली बकरी को भी खिलाते हैं। अब उससे क्या होता है कि पहले तो ब्याने के बाद बकरी कमज़ोर हो जाती है, वो चारा नहीं खाती है, उसके बाद दूध कम हो जाता है। जब दूध कम हो जाता है तो बच्चे का ग्रोथ भी नहीं होता है। तो यहाँ पर जैसे कि नज़र से दिखाइए थोड़ा, जैसे कि ये देखिए हमारी बकरी गाभिन है और बच्चे को देने वाली है ये बकरी। देखिए चारा किस तरीका से खा रही है। अभी इनको गेहूं का भूसा डाला गया है और सारे बकरियां जो ये खा रहे हैं, शाम का टाइम है। तो आते हैं मेन मुद्दे पर कि क्या खिलाएं। देखिए ब्याने वाली बकरी को सूखा चारा और हरा चारा मिला करके देना चाहिए अगर आपके पास है तो, और या तो फिर आप एक टाइम हरा चारा खिलाएं, एक टाइम सूखा चारा खिलाएं, इस तरीका से भी खिला सकते हैं। और जैसे कि छोटी ब्रीड हो चाहे बड़ी, जैसे हमारी बर्बरी की बकरी है तो मीडियम आकार की जो है कि बकरी होती है, ना तो बहुत छोटी होती है ना तो बहुत बड़ी होती है। अब इसको हरा चारा और सूखा चारा जैसे मिक्स दे रहे हैं, कम से कम दोनों टाइम का एक दिन का मिला करके 5 से 6 किलो हरा चारा और सूखा चारा मिला करके देना चाहिए। आप अलग अलग भी, जैसे मैंने कहा, आप सुबह और शाम को अलग अलग भी खिला सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। दूसरा, जैसे कि अभी सामान्य मौसम है, सामान्य मौसम में उसको पानी कम से कम 1 लीटर तो पिलाना ही चाहिए। और जैसे गर्मी का मौसम आ रहा है, गर्मी के मौसम में बकरी को तो 2 से 3 लीटर आप पानी पिलाएं, वो बहुत ही बढ़िया रहेगा, क्योंकि बकरी का ग्रोथ रुकेगा नहीं। पानी न पीने से बकरियों का ग्रोथ बहुत ही कम होता है। जब बकरी का ग्रोथ कम होगा, जैसे मैंने बताया, उनके बच्चे का भी ग्रोथ नहीं होगा। अब बात करते हैं दाना मिश्रण। देखिए दाना मिश्रण कहने का मतलब कि अब बहुत सारे दाना मिश्रण हैं, लेकिन आपके बजट में कौन सा दाना है, एक दाना है या चार दाना, जैसे गेहूं हो गया, मक्का हो गया, बाजरा हो गया, जौ हो गया, सोया बीज हो गया, और भी बहुत सारे दाने हैं और अलग अलग इलाकों में पाया जाता है। तो लोग अपने बजट के हिसाब से मिक्स भी खिलाते हैं और कुछ लोग जो है कि सिर्फ सिंगल। तो जैसे कि मैं अक्सर हमेशा यही सिंगल दाना जैसे गेहूं खिलाता हूँ, और सीजन के हिसाब से अगर मक्का मिल गया तो मिक्स करके देता हूँ, या तो अलग अलग भी दे देता हूँ, वो अपनी मर्जी का है। तो दाना भरपूर मात्रा में, जैसे कि इस बकरी को कम से कम 250 से 300 ग्राम एक दिन में दाना देना चाहिए। लेकिन दाना आपको वो एक ही साथ नहीं देना, 250 से 300 ग्राम एक ही साथ नहीं देना, दो बार में देना है, सुबह और शाम आपको दो बार में देना है वो दाना। जब दो बार में देंगे तो जब ये बकरी बच्चे को जन्म देगी, या एक बच्चे को जन्म दे, तीन दे, चार दे, दो दे, वो अलग चैप्टर है, तो बकरी में दूध भी कम नहीं होगा, बकरी का ग्रोथ भी कम नहीं होगा, और जब बकरी में दूध और इसका ग्रोथ कम नहीं होगा तो इसके बच्चे का भी ग्रोथ भरपूर में मात्रा में होगा। दोस्तों, बकरी पालन में लोग यहीं पर गलती करते हैं कि ब्याने वाली बकरी को और जो बकरियाँ ब्याह चुकी हैं, जो खाली हैं, उनको जो चारा देते हैं सबको एक ही चारा देते हैं। इसके लिए बकरी को अलग अलग रखना चाहिए और अलग अलग उनको खिलाना चाहिए। अभी मेरे पास कम क्वांटिटी में है तो सब एक ही में है, लेकिन मैं इसके खाने का भरपूर, जब मैं इसको सुबह और शाम को, या तो जो भी और बकरियां ब्याने वाली हैं उनको, मैं अलग से दाना मिश्रण इनको देता हूँ एक्स्ट्रा। फिर देखिए, जैसे कि इस बकरी ने बच्चे को जन्म दिया है, इसका ग्रोथ देखिए कम नहीं हुआ है, इस बकरी ने बच्चे को जन्म दिया इसका ग्रोथ कम नहीं हुआ है, इस बकरी ने बच्चे, अब इनके बच्चे भी देखिए इधर है, ये बच्चा उधर पड़ा है, तो किसी बकरी का ग्रोथ कम नहीं हुआ है। दोस्तों, शायद आप समझ गए होंगे कि ब्याने वाली बकरी को क्या खिलाया जाता है। तो इस तरीका से आप अपने बकरी को खिलाएं, आपकी बकरी का ग्रोथ कम नहीं होगा, दूध कम नहीं होगा, बकरी कमज़ोर नहीं होगी बच्चा देने के बाद। दोस्तों, छोटा जानकारी था, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर नया चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।